हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं लो फॉर हाई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो फाइनली गाइस एक बार फिर से आ गया हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। और भाई साहब, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बीजीएमआई अनाउंस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज, और साथ ही साथ ये भी बताने वाले कि भाई साहब बीजीएमआई प्ले स्टोर पर आएगा या फिर इन द गेम। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भाई साहब किसी ना किसी बंदे को 0.1 MB और किसी बंदे को 6 MB का अपडेट इन द गेम शो हो रहा है। लेकिन गाइस इन सभी अपडेटों का इनको कोई भी असर नहीं पड़ा है और ना ही इसका कोई मतलब निकल रहा है। और गाइस कुल मिलाकर मतलब ये निकल रहा है कि भाई साहब अगर बीजीएमआई में मतलब बीजीएमआई अनबैन होता है तो भाई साहब वो ना ही प्ले स्टोर पर आएगा और ना ही ऐप स्टोर पर आएगा, बल्कि क्रिप्टोन वाले बीजीएमआई वाले हो सकता है कि भाई साहब इस गेम में मतलब जो भी अपडेट दें वो इन द गेम यानी कि गेम के अंदर दें। और अब गाइस बात रही बीजीएमआई अनबैन की, तो भाई साहब मैं आप सभी को बता दूं कि बीजीएमआई अनबैन से रिलेटेड एक न्यूज मतलब न्यूज वाले ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल पेश किया है जो कि काफी बड़ा न्यूज है। तो भाई साहब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि टाइम्स नाउ नाम का एक न्यूज चैनल है जिसके वेबसाइट पर ऑफिशियल बीजीएमआई अनबैन से रिलेटेड एक न्यूज पोस्ट हुआ है जिसमें लिखा है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कुड मेक ए कमबैक इन 2023 जनवरी। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसके साथ साथ जो भी मतलब जो भी यूट्यूबर्स गेमर या फिर जो भी न्यूज चैनल है उन सभी ने मतलब यही डेट पब्लिश किया है कि भाई साहब गेम जब भी अनबैन होगा तो जनवरी में ही होगा। तो चलिए मैं उसके साथ साथ आपको एक और आर्टिकल, एक और न्यूज और एक और वीडियो दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो कि भाई साहब एस भानुशैली नाम का एक आदमी है जो कि भाई साहब ई-स्पोर्ट के फाउंडर हैं। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी वाले मतलब सभी जो न्यूज वाले हैं या फिर जो भी गेमर्स हैं वो लोग इन द जनवरी यानी कि जनवरी में बीजीएमआई अनबैन से रिलेटेड मतलब जो भी न्यूज है वो दे रहे हैं कि भाई साहब जनवरी में बीजीएमआई अनबैन होने की संभावना है। लेकिन भाई साहब एस भानुशैली के अनुसार भाई साहब जो गेम है वो मार्च और अप्रैल के बीच में मतलब टेंटेटिव डेट इन्होंने बताया है कि इसी के बीच बीजीएमआई अनबैन होने के चांसेस हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो इन्होंने लिखा है मार्च एंड अप्रैल इज द टेंटेटिव मंथ फॉर बीजीएमआई FF2 कमबैक, दिस टाइम इट विल कम बैक फॉर गुड, कीप ग्राइंडिंग एज इट विल बी वर्थ द वेट। मतलब भाई साहब इनके कहने का कुल मतलब ये है कि भाई साहब आप लोग जो भी गेम है जो भी बीजीएमआई है जिसके भी मोबाइल में है वो भाई साहब प्रैक्टिस करता रहे, गेम खेलता रहे, और क्योंकि भाई साहब मार्च और अप्रैल इसका टेंटेटिव डेट है मतलब मार्च और अप्रैल में आने की संभावना है, बीजीएमआई में होने की संभावना है। और अब दोस्तों बात रही मतलब भाई साहब 18 जनवरी की, मतलब भाई साहब सभी को लगता होगा किसी किसी को कि मतलब 18 जनवरी को बीजीएमआई अनबैन होगा या नहीं या फिर 2.4 का अपडेट आएगा या फिर नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भाई साहब बीजीएमआई में 2.4 का अपडेट आने के तो बहुत कम चांस है, लेकिन भाई साहब उसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा चांस वाली बात बता दूं मैं आप सभी को कि भाई साहब बीजीएमआई में भले 2.4 का अपडेट आया नहीं लेकिन भाई साहब साइकिल्स जरूर चेंज हो गए वो भी 18 जनवरी को। अब देखने वाली बात यह है कि वो लोग मतलब भाई साहब क्रैप्टन वाले कौन सा साइकिल रखते हैं इसके आगे सीजन मतलब C3 और S7 के आगे। तो और 2 दिन की बात है तो हम लोग 2 दिन तक वेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि मुझे लगता है कि भाई साहब बीजीएमआई हम लोग का इसी महीने में अनबैन हो जाएगा क्योंकि भाई साहब 25 तारीख को जो लॉन्च पार्टी होने वाली है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप लोग पिछली जाकर देख सकते हैं। भाई साहब उस लॉन्च पार्टी के अनुसार भाई साहब जो गेम है उसको अनबैन होना चाहिए 25 तारीख से पहले, क्योंकि भाई साहब जब गेम अनबैन नहीं होगा तो लॉन्च पार्टी कैसे होगा, टूर्नामेंट कैसे होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि बीजीएमआई इस महीने अनबैन होगा या फिर अगले महीने या फिर मार्च या फिर अप्रैल में? अपनी राय नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर अभी बीजीएमआई से जुड़ी सभी वीडियो अपडेट चाहते तो हमारे चैनल लोफारे को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।